अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुदस्सर अमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो आज हम बनाने लगे हैं ट्राउज़र का न्यू डिज़ाइन, जिसके लिए हमने ट्राउज़र का पैंचा रखा है 8 इंच। आप 7 इंच भी ले सकती हैं, आपकी अपनी च्वाइस है। तो हमने ट्राउज़र को लंबाई में 5 इंच कम कट किया है, क्योंकि नीचे हमारे यहाँ पर डिज़ाइनिंग होगी। हमें चाहिए ये 4.5 इंच, ये फ्यूज़ पेपर है, और ये शलवार ट्राउज़र के साथ का ही हमारा फैब्रिक है। ये भी हमें जितना हमारा फ्यूज़ पेपर है उतना ही चाहिए। इस पर हमने पिनटैक्स डालने हैं, लेकिन मैं इसे काट नहीं रही। नीचे की तरफ हम पिनटैक्स डाल लें, फिर हम यहाँ तक इसको कट कर लेंगे। तो उसके बाद हमें चाहिए ये कमीज़ के साथ की, जो ट्राउज़र के साथ का कमीज़ है उसके साथ का फैब्रिक है, जिसको हमने 2 इंच चौड़ाई में, 2 इंच ही लंबाई में कट किया है। और बहुत सारा इनको हमने कट कर लिया है, क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन में इस्तेमाल होंगे। एक हमें चाहिए ये पट्टी, ये तकरीबन 1 इंच है। जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं वो सब मैंने आपको बता दी हैं। अब हमने ये फैब्रिक लेना है, जिस फैब्रिक पर हमने पिनटैक्स डालने हैं। इस पर पिनटैक्स हम पहले इस्त्री की मदद से डाल लेंगे, ताकि हमारे पिनटैक्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएं और बहुत ही नीट बने। ऐसे इस्त्री की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ, प्रेस करते जाएंगे और फिर ऊपर पिनटैक्स डालते जाएंगे। तो ये देखिए, हम इसको आयरन कर लेंगे। ये देखिए, तकरीबन 1-1 इंच पर हमने पिनटैक्स डालने हैं। तो ऐसे हम पहले निशान लगाते जाएंगे, इसके ऊपर पिनटैक्स डालते जाएंगे। आप देखिएगा, बहुत ही नीट पिनटैक्स होंगे। इस तरह से पूरे कपड़े पर इस तरह से हम शेप दे लेंगे, फिर पिनटैक्स डाल लेंगे, फिर दूसरी तरफ से, ये देखिए, फिर इस तरफ से हम ऐसे करते जाएंगे और हम इसके ऊपर पिनटैक्स डाल लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इसके ऊपर हमने पिनटैक्स डाल लिए हैं और ये पट्टी को कट किया है 4.5 इंच। इसको अब हम उल्टी साइड करेंगे और जो फ्यूज़ पेपर हमने कट किया है इस पर पेस्ट कर देंगे। इस फैब्रिक के नीचे हमने पेस्ट कर लिया है फ्यूज़ पेपर को। अब हम ये जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको पहले इस तरह से करेंगे, फिर हमने इस तरह से करना है, और इस फैब्रिक के दोनों तरफ, इधर भी और इस साइड पर भी रख कर इनको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम मुकम्मल फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे, इधर भी और इस साइड पर भी। तो ये देखिए, इसके ऊपर हमने दोनों तरफ ये समोसियाँ अटैच कर दी हैं। अब हमने एक तरफ ये फैब्रिक लेना है, 1.5 इंच का फैब्रिक है, तो इसके ऊपर हम रखेंगे। इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे, जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई है। तो इस फैब्रिक को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे
और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हमने फोल्डिंग की है वहाँ पर भी एक सिलाई देखो ऐसे लगा देंगे। आप चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकती हैं। अब हमने ट्राउज़र लेना है, ट्राउज़र पर हमने निशान लगा लेना है। पहला निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे, उसके बाद 2 निशान हम 2-2 इंच पर लगाएंगे। जो पहला निशान हमने 3 इंच पर लगाया है उसको ऐसे इसरी से हमने प्रेस करके यहाँ पर 3 पिनटैक्स डाल लेने हैं बिल्कुल बारीक। पहले हमने इसरी से इसकी तय बिठा ली है, अब हम सिलाई से पिनटैक्स डालेंगे यहाँ। यहाँ पर हमने 3 पिनटैक्स डालने हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 पिनटैक्स डाल लिए हैं। अब हमने जो दूसरा कट लगाया था उसके लिए ये जो हमने पट्टी ली थी इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दें। तो ये देखिए एक जो तीनों हमने निशान लगाए थे 2 निशानों पर हमने 3-3 पिनटैक्स डाल लिए हैं। एक पर हमने ये पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमने जो नीचे वाला पंचा तैयार किया है उसे लेंगे और उसे 1 इंच फैब्रिक हमने यहाँ से ट्राउज़र के कपड़े का छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो जो हमने 1 इंच फैब्रिक नीचे छोड़ा था ट्राउज़र का उसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे, तो एक जहाँ से फैब्रिक हमने मोड़ा है उसकी फैब्रिक के किनारे पर। तो ये देखिए हमने पांचे को इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब ये गोल्डन कलर के हमारे पास कलर के मोती हैं, इनको हम इस कॉर्नर्स पर लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने मोती लगा दिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर देख लें हमारा पैंचा बनके रेडी हो गया और माशाल्लाह से देख लें कितना प्यारा भी लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।